ये पहाड़ों के दामन में मौजूद एक छोटा सा गांव आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं। इस गांव का नाम तलिस विलेज है और यहां पर जो है ना लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा अनोखी होती है। यहां पे एक दादाजी हैं जिनसे हम मिले थे, आज हम उन्हीं के घर में जाएंगे और उनसे जो है ना पता करेंगे कि इस गांव में किस तरह की लाइफ होती है और ये लोग किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहाड़ों पे इस तरह के कच्चे रोड्स बने हुए हैं। यहाँ से आगे जाके हम उस गांव में पहुंच जाते हैं। इधर से आगे और भी बहुत सारे गांव मौजूद है, इस दरिया के साथ ही मौजूद है ये सारे गांव। यहाँ पे गांव मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, इसी तरह से आगे भी और सारे गांव मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पे गांव की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सर्दी की वजह से गांव के जो नदी नाले हैं वहाँ पे बर्फ जमना शुरू हो चुकी है और जो यहाँ पे औरतें होती हैं वो कपड़े धोते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले का बाइस बनता है ये बर्फ, क्योंकि बर्फ़ की वजह से ये लोग सही से कपड़े नहीं धो पाते। अभी भी इस बर्फ़ में भी लोग जो है ना कपड़े धो रहे हैं यहाँ पे, और फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किलात इनके लिए होती है। अच्छा जी, ये है इनका घर दादाजी का। अच्छा यहाँ पे ये बैठे हुए बूढ़े का दिल ले जी बूढ़े ले बाबू, मैं तो मले इधर ग्रामों ने ना ये कुर्सी वाले जमीन दे। अच्छा जी, ये कुर्सी है, इसी का नाम कुर्सी है हमारा यहाँ पर देसी लोगों का। अच्छा जी, ज्यादा ध्यान ले लेते हैं उस तरह बैठा, इस तरह है, नीचे आग रखा हुआ है। अच्छा ठीक है जी, तो ये हमारा लोकल गिलगित बल्तिस्तान में, अमूमन गिलगित बल्तिस्तान में ही चलता है। अच्छा, इसी को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, सर्दी से बचने के लिए। सर्दी से बचने के लिए बस यही एक चीज है, एक तो इसको उठा कर अगर कोई चल निकाले ऐसा है कि बाहर ही लगाते हैं। अच्छा जी, तो स्टेज वाला बाहर ना वाला ठंड, ये है देसी हमारा। अच्छा, बाकी लोग कोई हथेला रखते है जी, कोई मतलब कोई क्या थाली रखते है आटा गूंदने वाला, हमारे पास ये देसी वो है, इसको क्वाद कहते हैं हमारे जबान अच्छा, में ये पत्थर से बना हुआ है। पत्थर से बना हुआ है ये, और ये लाकर पता नहीं 30-35 साल 50 साल से ऊपर 70 साल से ऊपर होगा, मुझे याद है कि ये है सर, सर उसका ना जी बिल्कुल मतलब बैठने का जू जी बिल्कुल। ये मामा है, ये हमारा मामू है, देखो ये हमारा बेटा का बेटी है। अच्छा, आपके पोते हैं? पोते हैं, पोती है। अच्छा जी, वो पोती है, वो क्या ले ठीक है आप जो, ये हमारे भाई का बेटी है। अच्छा जी, तो बच्चे हैं ना इधर, ये बच्चे कोई चाय गिरा है कोई क्या किया तो फिर भाई ये थोड़े से गंदे हो चुके हैं, गंदे हो चुका हुआ है। अभी अभी सर्दियों में ये दोने का अभी नौबत नहीं है। अच्छा, ये हमारा मार्च तक चलते रहेगा। अच्छा, सर्दियों में धोएंगे तो ये सूखेगा भी नहीं, सूखेगा भी नहीं ना, ये पूरा मोटा है, सूखेगा है। अच्छा जी, मोटा है ये बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ हमारे यहाँ पर मई में धोते है लोग। अच्छा, मई में धो जाकर उठा कर रखते है जी, अभी ये जनवरी अभी ये नवंबर दिसंबर में निकालते हैं। चार से पांच लून जुले जी, ये बाहरी थप ऐसे बोलते हैं जगह को। यहाँ पे ये आग बाग लगाते हैं और इस तरह से जो है ना अपने खाना बना को यहाँ पर बनाते हैं, खाने हो गया चाय वाय सब कुछ यहाँ पे बनाते हैं। तो इसको आप लोगों ने हाथों से बनाई है ये जगह? हाँ, ये हाथों से बनाया, कोई खाना ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं और बाकी जो है। अच्छा जी, दाल को गर्म कर रहे हैं यहाँ पे, इसी के साथ में ही यहाँ पे जो है ना ये लोग लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं, ईंधन की चीजें रखते हैं, वो जाते जो है गिरी का वो उसको रखते हैं। अच्छा, उसकी गुठलियाँ वगैरह जी बिल्कुल, तो उसको जो है ना इसमें इस्तेमाल करते हैं और आग लगा के इस तरह से खाने वाने बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पे चाय लाई है, बहुत शुक्रिया आपको। अच्छा, ये यहाँ पे आप लोग मकामी चाय है? ये हमारा ये लेफ्टिनेंट का मकामी है। अच्छा जी, इधर लोकल चाय बनाए बस आपके लिए। बहुत शुक्रिया। ये तुर्क चाय नहीं, कश्मीरी चाय नहीं है। हाँ जी, ये जबान में तो सब अच्छा बोलता है ना जी। हाँ, ये देखो ना मेरे, चल खाओ ले किसर, खाओ तो हमारे जबान में किसर कहते हैं। अच्छा जी, इसे किसीर कहते हैं और इसको चाय के साथ देसी किसीर जो मतलब कुछ होगा ये आपके लिए मस्त। अच्छा जी, और क्या कर सकता हूँ मैंने, बहुत शुक्रिया, अचानक आ गया जी, बहुत शुक्रिया आपका, खाना बनाने का टाइम भी नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं जी, बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी ये देख सकते हैं, ये दाल भी इन्होंने लेकर आई है माशाल्लाह जी। भले दाल अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो दादाजी जो है ना यहाँ पे गाय वाले गाय वगैरह भी पालते हैं ये, और हम अभी देखते हैं। अच्छा जी, इसमें पालते हैं आप? मतलब बंद तो अंदर करते हैं ना। अच्छा जी, बस ये मैंने वो ये बाड़ा लोकर रखा है, इसको लकड़ी छकड़े तो अगर देसी कोई काम शाम हो गया जी, कोई कुरान हानि हो गया। मेरा मतलब वाइफ और मेरा वालिद दोनों वफात हुआ है। अच्छा, उनका जो है मतलब बरसी अभी आ गया, आने वाला है। अच्छा, तो इनका वो शौक है तो यहाँ पर चूल्हे चूल्हे जला करना जी, इनको वो कर लेते हैं। अच्छा, ये इनके घर के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे इन्होंने गाय वगैरह के लिए चारा वगैरह रखा हुआ है। अंधेरा है। अच्छा जी, यहाँ पे तो अंधेरा ही है। घर का नीचे वाला हिस्सा पूरा इन्होंने पत्थर से बनाई हुई है। मेरा इसको हमारे ज़बान में कहते हैं फुंखा बोलते हैं। अच्छा, फुंखा बोलते हैं। भूसा रखते हैं, एक साइड पर जो है घास रखते हैं। अच्छा जी, ठीक है ना। और ये घास वगैरह जो है बाकी इनमें बांधते हैं। अच्छा, इनमें जो है नीचे डोन में बैल बकरियां बांधते हैं जी, बाकी ऊपर जो है खुद बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर लोकल ये है। अच्छा माशाल्लाह, गायें और भेड़ों को, दो भेड़ियां हैं, एक गायें हैं। अच्छा जी, उनके लिए तो भूसा और ये घास डालते हैं कठा। अच्छा, तो ठीक है ना, ला कर इधर। ये देख इस तरह इनको इनको डालते हैं, इसके ऊपर जो है भूसा भी डालते हैं। अभी भूसा मैंने लाना तो चोरों में टोकरी में लाते हैं। टोकरी हमारे यहाँ पर चोरों बोलते हैं, बाकी टोकरी बोलते हैं। ओल लो लो लो, कोई अच्छी चल रही पत्थर जिस तरह हम इनको चलाते हैं। जी यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ। ये बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बकरियाँ लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो आप लोग? अच्छा, यहाँ पे बकरियाँ शकरियाँ लेके जा रहे हैं ये अपने घरों की तरफ। बाकी छोटा सा गाँव है यहाँ पर, और पूरे जो है ना स्टून से बनाए हुए घरिंग मौजूद है यहाँ पर। स्टून से बनाए हुए घर है यहाँ पर, मट्टी से। और बाकी ये देख सकते हैं बहुत ही कदीम सा एक गाँव है ये। अच्छा जी, यहाँ पे सर्दी से बचने के लिए ना ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से कोट शॉट पहनना पड़ता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं आप? अच्छा, आपका नाम बताएं? सरवर अली। सरवर अली, अच्छा जी। तो इस तरह से बचा जाता है सर्दी से? इस तरह हम सर्दियों में कोट शॉट पहनते हैं। अच्छा जी, देख सकते हैं नीचे पूरा दरिया जो है ना जम चुकी है, और यहाँ पर जो है ना सर्दी से बचने के लिए लोग इस तरह से करते हैं, पूरा कोट शॉट पहन के जो है ना पैक हो जाते हैं ताकि सर्दी से बचा जाए, क्योंकि इस 2-3 महीनों में जो ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है यहाँ पे। ये कोट तो कुछ भी नहीं होता है हमारे यहाँ पर ना। जी बिल्कुल, अंदर भी मतलब कुछ पहना हुआ है हम लोगों ने जी। अभी बच्चा है, अभी जवान है, इसने पता पहने नहीं पहने, तो बाकी हमारा लोगों का जो है बूढ़ा लोगों का जो है अंदर दो एक एक नहीं पहने तो गुजर नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनके गांव में जो है ना किसी, अच्छा रिश्तेदार हैं आपके, तो इनके रिश्तेदार के एक जो है ना यहाँ पे एक आरा मशीन जो जहाँ पे लकड़ियों का काम किया जाता है, ये एक छोटा सा जगह था यहाँ पे, तो इनके मशीनें सब कुछ यहाँ पे पड़ी हुई थी। रात के अंधेरे में जो है ना यहाँ से पता नहीं कैसे आग लग गई है पूरा, और ये देख सकते हैं पूरा राख हो चुकी है, अभी मशीनें भी यहाँ पर पड़ी हुई है, वहाँ पर एक बाइक भी पूरी जल चुकी है। बाकी हम इनसे पूछ लेते। अच्छा बताएं जरा यहाँ पे क्या हुआ था? ये रात को, ये तो अल्लाह को पता होगा, 12-1 बजे हमारे तो हिसाब से तो 12-1 बजे का टाइम था। अच्छा जी, अचानक में जो है हमें इधर उधर चूहे मारने का आवाज़ आ गया। अच्छा जी, तो हम लोग उठ कर आ गया, तो इधर आ गया तो ये तो पूरा आग का लिपेट में आया हुआ था पूरा दीवार। अब दीवारें देखो ना क्या हालत हो गया इनका जी, जल कर। ये सारे हमारे जबान में देसी बक्सा बोलते हैं उसको, गुम। अच्छा, उसका साइड का मतलब उसको मतलब बोमा बोलते हैं हमारे जबान में जी। तो वो लकड़ी बनाने के लिए रखा था, मोटा मोटा था वो, वो जल गया, तो वो बाइक जल गया, और ये मशीन, अरे मशीन का वो मतलब रंधा। अच्छा, ये रंधा मशीन था, और ये जो है लकड़ी चिरने वाला मशीन था। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल में इस गांव में लोग अपने बहुत सारे दुनिया के लोगों का अभी ये लोगों के बहुत सारे यहाँ पे ये तैयार शुदा थी, दरवाजा तैयार शुदा था। अच्छा, ये सब जल गया है। कम से कम यहाँ पर 10-15 फिल्म का जो है मतलब लकड़ी का मतलब था, लकड़ी का। अच्छा, कुछ ना कुछ किसी का दरवाजे था, किसी का जो है खिड़कियाँ था, किसी का जो है तख्ते। अच्छा जी, ये देख सकते हैं पूरा बाइक यहाँ पे जल चुकी है, इन्होंने बाइक यहाँ पर रखी हुई थी, और साथ में ये पूरा दुकान आप देख सकते हैं पूरा ख़राब हो चुका है इनका पूरा।
इस पूरे इलाके में इस तरह का जो है ना सिर्फ एक ही था, वो भी यहाँ पे पूरा जल के ख़त्म हो चुकी है, तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है यहाँ पे इस वजह से। करीम मेरी क्या हालत है इसका, इनको अलग करके हमने रखा है जी, परसों अलग करके रखा था। अच्छा, कल हमने आया था, आज भी नहीं आया जी। इनका जो है ना पेशा यही था, और ये पूरा लकड़ियों का काम करते थे इस पूरे गांव में, इस पूरे इलाके में। लेकिन अभी ये पूरा जल चुकी है, सारे जो है ना घरों की जो लकड़ियां वगैरह सब कुछ बनाने का काम यहाँ पे होता था, लेकिन अभी ये जल चुकी है, तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसले का बाइस बन रहे हैं। बाकी इनकी अपील है गवर्नमेंट से कि ये जो है ना जल्द से जल्द इनके लिए मुआवजे का वो करें, ताकि ये जो है ना अपने काम को दोबारा से जारी कर सकें। इनको यामो बोलते हैं, इनमें मेरे ख्याल में एक दो तीन चार है। अच्छा, चार यक है, बाकी जो है बल्कि पाँच है वो काला के साथ। अच्छा, बाकी यामो मतलब कोई पाँच एक है वो तो सुना है। अब एक बंदा इसमें 25 तो है नहीं है।